हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सेट एंड रिलेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ़ ऑर्डर पेयर एक्स माइनस वाई एंड वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1, 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सो सॉल्यूशन, तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। हमें गिवन है ऑर्डर पेयर x माइनस वाई एंड y प्लस फोर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1 एंड 2। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर पेयर। प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, उसका मतलब क्या है, उसका फर्स्ट कंपोनेंट, दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है और सेकंड कंपोनेंट भी इक्वल है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड वाई प्लस फोर इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर माइनस 1 उधर चले जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस फोर उधर जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 2 माइनस फोर माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन, नाउ सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या गिवन है, इफ़ ऑर्डर पेयर एक्स प्लस 1/3, ठीक है, एक्स प्लस 1/3 एंड वाई बाई 3 माइनस 1, ऑर्डर पेयर इक्वल है 1/2 एंड 1/2 एंड 3/2 ऑर्डर पेयर के, ठीक है। तो सेम लिखेंगे हम, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होता है और सेकंड कंपोनेंट इक्वल होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/2 एंड y बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। ओके, क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ये प्लस 1/3 हो जाएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बाय 3 रहेगा और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 1 3 माइनस 2 1 2 अपॉन 2 3 6, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1/6, और यहाँ पे y बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, दैट इज़ 5/2। अब ये जो 3 है डिनोमीटर में उधर जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 5 15/2। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, सो क्वेश्चन नंबर थ्री हमें गिवन है, इफ़ a एंड b आर टू सेट, ठीक है, सेट a गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, एंड सेट बी हमें गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स एंड वाई। देन क्या करना है, हमें फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहला गिवन है ए क्रॉस बी, दूसरा गिवन है बी क्रॉस ए, ठीक है, और तीसरा है ए क्रॉस ए और चौथा है बी क्रॉस बी। ओके, सो देयरफॉर फर्स्ट वन इज ए क्रॉस बी, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो किस तरह से करते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों सेट के एलिमेंट की हर एक पॉसिबल पेयर लिखते हैं, ठीक है, जितने भी पॉसिबल हो सके वो सभी पेयर हम लिखते हैं। तो करना क्या है, कोई भी एक सेट लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे सेट ए पहले है, तो ए सेट के 3 एलिमेंट है, तो इन तीनों एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक एक करके सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए का पेयर बनाएंगे हम इसके एलिमेंट के साथ, एक्स के साथ और वाई के साथ, ठीक है।
क्योंकि ए क्रॉस बी हम फाइंड कर रहे हैं तो पहले हम ए का एलिमेंट लिखेंगे ऑर्डर पेयर में और बाद में हम बी का एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो जो पहला है ए एक्स, ठीक है, देन दूसरा है ए वाई, सॉरी पेन थोड़ी लाइट चल रही है, देन अब ए के साथ दोनों सेट बी के एलिमेंट का पेयर बन गया, ठीक है। देन उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट लेंगे बी, तो बी एक्स एंड बी वाई, उसी के साथ तीसरा एलिमेंट सी एक्स एंड सी वाई, ओके। तो इस तरह से हमने क्या करें, दोनों सेट के एलिमेंट का हमने ऑर्डर पेयर बनाए, हर एक पॉसिबल पेयर बनाए, ठीक है। तो ये जो पेयर बनी है इसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर, ओके। तो पहला ये था, देन सेकंड, तो दूसरा जो है वो है बी क्रॉस ए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे हर एक पॉसिबल पेयर बनाई थी सेम बी क्रॉस ए में भी बनाना है, बस कंडीशन क्या है, पहले बी के एलिमेंट रहेंगे ऑर्डर पेयर में, बाद में ए के एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो एक्स का ए बी के साथ बनाना है हमें, ए बी सी के साथ, तो क्या हो जाएगा एक्स ए देन एक्स बी देन एक्स सी, ठीक है। फिर आपने वाई का ए बी सी के साथ पेयर बनाना है हमें, तो ये हो जाएगा वाई ए वाई बी एंड वाई सी, ओके। बहुत ही इजी था, बस ध्यान में रखना जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहले है तो ऑर्डर पेयर में उसी के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे और बाद में दूसरे के एलिमेंट लिखे जाएंगे। देन तीसरा है ए क्रॉस ए, यानी कि सेट ए को ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करना है, ओके। तो किस तरह से करेंगे, जैसे कि ये सेट हमारे पास ऑलरेडी है, सपोज करो एक और सेट है हमारे पास सेट ए ए बी सी, उसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या करना है, ए के साथ ए बी सी का पेयर बनाना है, फिर बी के साथ ए बी सी का पेयर बनाना है, फिर सी के साथ ए बी सी का पेयर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम ए को ए के साथ कर रहे हैं तो कोई भी सेट के एलिमेंट पहले लिखो या बाद में लिखो एक ही बात होती है, क्योंकि सेम ही सेट है, ओके। तो इस ए का हम ए बी सी के साथ पेयर बनाएंगे, पहले ए ए बाद में ए बी उसके बाद में ए सी, ठीक है। ए के साथ बन गया, अब बी के साथ हम ए बी सी का पेयर बनाएंगे, बी ए बी 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 सी, ठीक है। बी के बाद बन गया, अब सी के साथ ए बी सी का पेयर बनाएंगे हम, सी ए सी बी एंड सी सी, ओके। तो इस तरह से हम ये ऑर्डर पेयर बनाएंगे। उसके बाद चौथा कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी क्रॉस बी का, ठीक है, यानी कि सेट बी को उसी के एलिमेंट्स हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक और सेट है बी, तो इस एक्स वाई को हमें इस एक्स वाई के साथ हर एक पॉसिबल पेयर हमें बनाना है, ओके। तो एक्स को लेंगे हम एक्स के साथ और एक्स को हम लेंगे वाई के साथ, ठीक है, पहला पेयर बन गया। फिर हम वाई को लेंगे एक्स के साथ, वाई को लेंगे हम वाई के साथ, दूसरा पेयर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें सभी चारों भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना था, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ पी एंड क्यू आर टू सेट देन फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्यू एंड क्यू पी, ठीक है। सेम है यहाँ पे, प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह क्वेश्चन है, सेट पी गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन में जो ब्रैकेट है ना वो थोड़े कर्व बन गए हैं, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना जब भी सेट रहेगा तो कर्ली ब्रैकेट ही यूज़ किया जाएगा, ओके। और सेट क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है 14, सो देयरफॉर पहले हमें फाइंड करना है पी क्रॉस क्यू, यानी कि एक ऑर्डर पेयर बनाना है हमें पी के सभी एलिमेंट के साथ 14 को ऐड करना है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, तो बहुत ही इजी है। तो 1 14 2 14
314, ठीक है, बन गया, इतना सा ही था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देन उसके बाद में क्या है, क्यू पी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू पी, तो क्या होगा, पहले क्यू के एलिमेंट रहेंगे, बाद में पी का एलिमेंट रहेंगे, यानी कि 14 1, 14 2, 14 3, ठीक है। वह बहुत ही इजी एंड छोटा क्वेश्चन था, बस इतना ही हमें लिखना था यहाँ पे, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी एंड सी, तीन सेट हमें गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6, और सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट है 5 एंड 6। ओके, ए बी सी, करना क्या है, वेरीफाई करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। और सेम वैसे एक और क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले जितने भी वहाँ पे आपको दिख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो हम पहले ही फाइंड कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमें आगे प्रूफ करने के लिए आसानी होगी। ओके, तो जैसे कि पहले दो यूनियन, एक यूनियन और इंटरसेक्शन है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। सो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, पहले पहले फाइंड कर लेंगे तो इजी रहेगा। ओके, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों भी सेट के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है कौन से, 5 एंड 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6। ओके, उसके बाद में बी यूनियन सी भी हमें लिखना है, तो बी यूनियन सी, यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं, तो सर दोनों के आ जाएंगे 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है कि जो बी यूनियन सी है, पूरा के पूरा सेट बी है। ओके, और क्या कर सकते हैं, और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके रख सकते हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के लिए। सो देयरफॉर एंड ए क्रॉस बी, क्या करना है हमें, पहले ए है तो ए के सभी एलिमेंट के साथ में क्या करना है हमें, बी के एलिमेंट के साथ मिला के पेयर बनानी है, ठीक है। पहले 1 के साथ तीनों का पेयर, 2 के साथ तीनों का पेयर, 3 के साथ और 4 के साथ, ओके, जिसे हम ऑर्डर पेयर कहेंगे। तो 1 4, 1 5, 1 6, 2 4, 2 5, 2 6, 3 4, 3 5, 3 6, 4 4, 4 5, 4 6, ओके। देन ए क्रॉस सी, क्या होगा, इस एलिमेंट ए के एलिमेंट के सेट सी के एलिमेंट साथ हमें पेयर बनाना है, पॉसिबल पेयर जितने भी हैं। तो पहला ए है तो ए के एलिमेंट पहले रहेंगे 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6, एंड क्या है 4 5 4 6। ओके, ये भी हो गया है। ओके, तो अब हम पहला वेरीफाई करेंगे, फर्स्ट वन क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे और देखेंगे दोनों भी इक्वल आता है कि नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। यानी क्या करना है, ये 1 2 3 4 को 5 और 6 के साथ में हमें वो करना है, पेयर बनाना है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1 5
16, 25, 26, 35, 36, 45, 46, ओके। एंड अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन में हम वही ऑर्डर पेयर लेंगे जो दोनों में भी प्रेजेंट है। ओके, जैसे कि 1 4 इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, 1 5 दोनों में, 1 6 दोनों में, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 2 4 इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, 2 5 2 6 दोनों में, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरह 3 4 छोड़ देंगे क्योंकि 3 4 इसमें नहीं है, 3 5 3 6 लेंगे, 4 4 छोड़ देंगे एंड 4 5 एंड 4 6 लेंगे। ओके, इंटरसेक्शन यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों भी सेट में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 5 1 6, 2 4 नहीं आएगा, 2 5 2 6, 3 4 नहीं आएगा, 3 5 3 6 एंड 4 4 नहीं आएगा, 4 5 एंड 4 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टोटली इक्वल है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, बस इतना से हमें प्रूफ करना था, ये हो गया फर्स्ट। नाउ अब हम सेकंड देखेंगे। सो सेकंड, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड गिवन है हमें ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब ए, ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो इसका हमें क्रॉस करना है इस वाले सेट के साथ, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 की हमें पेयर बनाना है 4 5 6 के साथ। ओके, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, पहले 1 की पेयर 4 5 6 के साथ, 1 4 1 5 1 6, उसके बाद में 2 की पेयर 4 5 6 के साथ, 2 4 2 5 2 6, उसके बाद में 3 की पेयर 4 5 6 के साथ, 3 4 3 5 3 6, 4 की पेयर 4 5 6 के साथ, 4 4 4 5 4 6, ठीक है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। देन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमें गिवन है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी यहाँ पर है, ए क्रॉस सी यहाँ पर है, इन दोनों का हमें यूनियन लेना है। यूनियन लेना है यानी कि दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 4 6 8 है और यहाँ पे 12 है, यानी कि जो भी आएगा यहाँ पे रिजल्ट में पूरा का पूरा ए क्रॉस बी आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर ही ए क्रॉस सी के एलिमेंट भी है। ओके, तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, पूरा ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट यहाँ पे हमें लिख देना है। ओके, सो क्या होएगा यूनियन में, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6, 4 4 4 5 4 6, ओके। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का सेट है और जो राइट हैंड साइड का सेट है दोनों भी बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम ऑर्डर पेयर है, मतलब कि दोनों सेट इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।